गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BIP टेक्नीशियन में। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से। हाल ही में हेडन फेस्टिवल 2020 किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो देखिए, हेडन फेस्टिवल 2020 मणिपुर राज्य में मनाया जा रहा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। हेडन फेस्टिवल 2020 मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मनाया जा रहा है। बात करें इस फेस्टिवल की तो ये फेस्टिवल 12 से 30 जनवरी के बीच मनाया जाएगा। देखिए, बात करते हैं मणिपुर की तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, जहाँ पर हेडन फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री है एन ब्रेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला ये मणिपुर की गवर्नर है। चलिए प्रश्न संख्या दो पर चलते हैं। हाल ही में हैदराबाद में प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हैदराबाद में प्रथम वेंकैया नायडू पुरस्कार से MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। बात करें MS स्वामीनाथन की तो ये कौन थे? ये थे हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। अगर भारत में MS स्वामीनाथन है तो विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व के हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। देखिए, इन्हें 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। देखिए, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है जिनके वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में सम्मानित किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या तीन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो देखिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है नई दिल्ली में। और किसने किया था यह उद्घाटन? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का शुभारंभ किया है। देखिए, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, जिनका सांसद क्षेत्र कौन सा है? वो है गांधीनगर। सांसद क्षेत्र है इनका गांधीनगर। देखिए, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री है और भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? वो है सरदार पटेल जी। अच्छा, सरदार पटेल जी से करंट में कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला तो इनकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की कहां पर स्थापित की गई है? तो सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है अहमदाबाद में। अच्छा, दूसरी सबसे ऊंची अहमदाबाद में, तो पहली सबसे ऊंची कहां स्थापित की गई है? वो नर्मदा जिले में। ये दोनों ही गुजरात में है, दोनों ही अहमदाबाद और नर्मदा दोनों ही गुजरात में स्थित है। पहली सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा में और दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा अहमदाबाद में स्थापित की गई है। देखिए, हाल ही में इनके नाम से एकता पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी। एकता पुरस्कार की भी शुरुआत सरदार पटेल के नाम से ही की गई है। चलिए प्रश्न संख्या चार पर चलते हैं। किस देश ने पंज तीर्थ के हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? देखिए, पंज तीर्थ एक हिंदू धार्मिक स्थल है जिसे हाल ही में किसी देश ने राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर लिया है। वो कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पंज तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थल को अपनी राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। देखिए, बात करें इस पंज तीर्थ इस धार्मिक स्थल की तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वो वनवास से टाइम पर कुछ टाइम के लिए यहाँ रुके थे और इसे पाकिस्तान ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। देखिए, बात आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वो है यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है और यहाँ पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है।
और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। देखिए पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम किस नाम से जानते हैं? उसे जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम क्या है, विंग्स इंडिया 2020, ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। देखिए बात करते हैं हम नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 की, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी है तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो है जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है और यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। देखिए आंध्र प्रदेश से ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। वो है हाल ही में एक मिलन नाम से नौसैनिक अभ्यास हुआ था जो कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित हुआ था। चलिए देखिए हम बात कर लेते हैं इस विंग्स इंडिया 2020 जो आयोजित किया गया था इसकी थीम की। थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो विंग्स इंडिया 2020 जो इस बार हैदराबाद में आयोजित हुआ था इसकी थीम थी इंडिया रनवे 2A बिलियन अपॉर्चुनिटी। इंडिया रनवे 2A बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इस बार विंग्स इंडिया 2020 की थीम थी जो हैदराबाद में आयोजित हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। 2019 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो देखिए रानी रामपाल को 2019 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। बात करें रानी रामपाल की तो ये हॉकी प्लेयर है और वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। देखिए रानी रामपाल ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में से संबंधित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। देखिए बात आती है हरियाणा की तो हरियाणा की राजधानी क्या है? वो है चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? वो है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक किसे बनाया है? तो देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक युवराज मलिक को बनाया है। देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक युवराज मलिक को बनाया है। बात करें नेशनल बुक ट्रस्ट की तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट कार्य करता है। देखिए इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में हेड स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। हाल ही में यशस्विनी योजना की शुरुआत किसने की है? देखिए यशस्विनी योजना की शुरुआत स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा में की है। बात करें स्मृति ईरानी की तो ये वर्तमान में कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री है। महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। देखिए इस यशस्वी योजना की बात करते हैं तो यशस्वी योजना है इसके अधीन महिला उद्यमियों के लिए 5 लाख तक का
लोन प्रस्तावित किया जाएगा जिससे उन्हें अपने छोटे छोटे रोजगार को सहायता मिलेगी। चलिए प्रश्न संख्या 9, हाल ही में ओबेद सिद्दीकी का निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थे? तो देखिए, ओबेद सिद्दीकी एक प्रसिद्ध कवि थे जो श्रीनगर में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर कार्यरत थे। ओबेद सिद्दीकी कवि थे तो ये कवि से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दस, हाल ही में ओमान के नए सुल्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, हेयम बिन तारिक अल सईद को ओमान का नया सुल्तान बनाया गया है। अच्छा, नया सुल्तान इन्हें बनाया है, तो पूर्व सुल्तान कौन थे? वो थे काबू बिन सैद, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ओमान के नए सुल्तान हेयम बिन तारिक अल सईद को बनाया गया है। देखिए, बात आती है ओमान की, तो ओमान के बारे में हमने कल ही बात करी थी। यहाँ की राजधानी है मस्कट और यहाँ के मुद्रा है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है और यहाँ के सुल्तान अब नए बनी गए हैं हेयम बिन तारिक अल सईद। हेयम बिन तारिक अल सईद को ओमान का नया सुल्तान बनाया गया है। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बीएसएफ का नया आईजी किसे बनाया गया है? तो वो किसे बनाया गया है? अभिनव कुमार को बीएसएफ का नया आईजी बनाया गया है। देखिए, पहले भी यही थे, वर्तमान में इनका कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है। चलिए, आज का प्रश्न आपके लिए, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा जो 23वें नंबर का है, ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी पता है आप सब हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।